हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर अभी के टाइम में स्मार्टफोन से ज्यादा आईओटी डिवाइसेस की मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो इसकी वजह से काफी सारी जो स्मार्टफोन कंपनीज है तो वो भी अपनी एक सब ब्रांड बनाकर प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग यहाँ पर आईओटी डिवाइसेस पर ज्यादा फोकस कर सके। तो यहाँ पर ऐसी ही एक ब्रांड है जो कि है रियलमी की सब ब्रांड डीजो, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे आईओटी डिवाइसेस लॉन्च कर चुकी है एक साल के अंदर अंदर ही। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, जिसका एक प्रोडक्ट अभी हमारे पास है वो है डीजो वायरलेस, जो कि यहाँ पर 1000 रुपए के अंदर अंदर ही अभी मिल रहा है। भले ही ये 6 महीने पुराना प्रोडक्ट हो, लेकिन फिर भी ये जो प्रोडक्ट है वो अभी के जो लेटेस्ट जो यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइसेस है, मतलब कि नेक बैंड्स है, तो उनको भी ये टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस के हिसाब से इसके फीचर्स जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं और बॉक्स को खोलकर अभी जान लेते हैं इसका पूरा का पूरा सच। बॉक्स आ चुका है मैदान में, तो अब कर लेते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है डीजो की ब्रांडिंग, डीजो वायरलेस, और यहाँ पर लिखा हुआ है रियलमी टेक लाइफ, जो कि पहले से इनकी टैग लाइन है। और यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ पर हमें दिए गए कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स, जिनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 11.2 mm का लार्ज बेस बूस्ट ड्राइवर, मतलब कि यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा सा बेस देखने को मिलने वाला है इनके ड्राइवर्स में, और 17 घंटे का प्ले बैक, मतलब कि बहुत ही अच्छी बैटरी यहां पर प्रोवाइड की गई है, और मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन, और इसके अलावा 88 ms की लो लेटेंसी, और 10 मिनट चार्ज पर ये हमें 120 घंटे का प्लेबैक देने वाला है, और 5 मिनट के चार्ज पर भी ये हमें 60 मिनट का प्लेबैक देने वाला है। और यहां पर इसके अलावा IPX4 की भी यहां पर हमें जिक्र देखने को मिल जाता है, मतलब कि ये आपको बारिश की छींटों से बचाने वाला है, बारिश की छींटों से आपके डिवाइस को बचाने वाला है। और बाकी सारी चीजों की बात करते हैं, यहां पर MRP आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 2499 की MRP है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि आगे चलकर इसकी प्राइस हमें क्या देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले तो बॉक्स को खोल लेते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या निकलता है। यहाँ पर सबसे पहले ही हमें यहाँ पर हमारे नेक बैंड देखने को मिल जाते हैं, और सबसे पहले तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये कुछ ट्रिकी सा तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर पहले ये निकल जाता है, और शायद से इसमें एक स्ट्रैप आता था लेकिन वो मैंने तोड़ दिया है, तो इसको निकालना इतना ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि हम इसको निकाल रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत मटेरियल के आते हैं, तो टूटने का कोई डर नहीं है। तो बॉक्स को रख लेते हैं यहाँ पर और दूसरी साइड डिटेलिंग्स पर देख लेते हैं। तो नेक बैंड को रखा है हमने साइड में, तो पहले तो इस बॉक्स को देख लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी आइकनिंग की गई है यहाँ पर, और इसके अलावा इसके बॉक्स को अगर हम खोलें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं टाइप सी यहाँ पर कनेक्टर देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, जो कि आपके काम में आने वाले हैं, मुसीबत के काम में, मतलब कि अगर आपको एडजस्ट करना है इसको तो। और इसके अलावा आपको इसमें मैनुअल गाइड भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको इसके सारे फीचर्स समझा देगी। इस बॉक्स को रख लेते हैं अपसाइड में और चले जाते हैं अपने नेक बैंड की तरफ। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस नेक बैंड में काफी अच्छा मटेरियल यूज किया, भले ही यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है, प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर इसको दी गई है। और इसके अलावा अगर हम इसके जो यहाँ पर मार्क की बात करें, तो यहाँ पर डीजो बहुत ही अच्छे स्टाइलिश वे में यहाँ पर डीजो लिखा हुआ है, इसकी ब्रांडिंग है। और इसके अलावा अगर हम इसकी लेंथ की भी बात करें, तो इसके यहाँ पर हमें टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही फास्ट चार्ज करने वाली है आपके आपके यहाँ पर नेक बैंड को। और इसके अलावा अगर हम दूसरी डिटेल्स पर बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, जो कि आपको हेल्प करेंगे अगर आपको एडजस्ट करना है तो नेक बैंड को। और दूसरी, इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है मैनुअल गाइड, जिसके अंदर आपको इसके सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि आपको क्या करने से क्या क्या मिलने वाला है। और बाकी सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा इस बॉक्स को हम साइड में रख लेते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक बैंड की तरफ। तो नेक बैंड काफी ही ज्यादा स्टाइलिश यहाँ पर दिख रहा है। हम सबसे पहले तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने डिवाइस से। तो यहाँ पर हमें चले जाना है पैर न्यू डिवाइस पर, और यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इसको यहाँ पर मैग्नेट को हटा लेना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लूटूथ में ये डीजो वायरलेस दिखा रहा है, तो इस पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेयरिंग मोड में चला गया है, यहाँ पर हम पैर पर क्लिक कर देते हैं, तो जैसे ही हम पैर करेंगे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। चेक कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को।
साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफी डिसेंट सी साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की दूसरी बात करें तो इसका जो 80% पर जो वॉल्यूम होता है उसमें हमें आजू बाजू भी कोई भी आवाज आती नहीं है। और इसके अलावा आप इसमें अगर हिप हॉप या फिर बेस वाले सारे गाने सुनते हो तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर हम इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको रियलमी लिंक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि रियलमी की एक ऐप है जो कि यहाँ पर सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। और अगर यहाँ पर आपका डिवाइस यहाँ पर पैर नहीं है तो यहाँ पर आपको पैर डिवाइस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑडियो में चले जाना है। और यहाँ पर सारे के सारे जो ऑडियो डिवाइसेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो डीजो वायरलेस है वो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर से आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप फंक्शन कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर बेस मोड में जाना है, बेस बूस्ट प्लस में जाना है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपका सॉन्ग एक्सपीरियंस, जो म्यूजिक का जो एक्सपीरियंस वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा बैलेंस जो है तो वो यहाँ पर मॉडरेट यूज के लिए है। मतलब कि अगर आपको बैलेंस चाहिए सारी चीजें, मतलब कि आपको ज्यादा हाई बेस नहीं चाहिए, तो इस पर आप ये यूज कर सकते हो। और ब्राइट जो है वो आपको अगर लगता है कि मेरे कान में दर्द है तो आपको थोड़ी ब्राइट वॉइस चाहिए, तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। और ब्राइट का मतलब ये भी होता है, मतलब कि आपको अगर किसी के साथ माइक पर बात करनी है तो इसके लिए आप इस मोड को यूज कर सकते हो। और यहाँ पर इसके अलावा आपको इसमें वॉल्यूम इनहांसर भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि ये जो आपके जो वॉइस है तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है इसके वॉल्यूम को। इसके अलावा इसमें आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ पर ये लो लेटेंसी में चला जाएगा, मतलब कि 88 ms की आपको इसमें लेटेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होने वाला है। मतलब कि इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग में इसका जो वॉइस जो होता है वो आगे पीछे हो जाता है कई बार किसी में, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं आता है। 88 ms की जो लो लेटेंसी है वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। और इसके अलावा अगर हम इस मोड के अलावा दूसरी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो आंसर का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब कि अगर कहीं भी कॉल आता है आपका चालू व्हीकल में या फिर कहीं भी कॉल आता है तो वो ऑटो आंसर हो जाता है, आपको ईयरबड्स को यहाँ पर छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बटन सेटिंग्स जो है, तो यहाँ पर आप बटन्स के सारे सेटिंग्स जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है टच एंड होल्ड, तो इसको अगर मुझे बदल के वॉइस असिस्टेंट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर इसको बदल के मुझे स्विच टू डिवाइस करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और वैसे ही ये सारे जो बटन्स के कंट्रोल है इनको भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ये है रियलमी लिंक के फीचर्स। और काफ़ी सारे जो अपडेट्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला कि 100 पर जो वॉल्यूम है वो डिसऑर्ट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा कट, मतलब कि जो होता है ना फट के आता है थोड़ा आवाज़, तो वो भी इस अपडेट से पुश किया जा सकता है। मतलब कि वो लोग इन डिवाइसेस को भी इससे अपडेट कर सकते हैं। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि इसमें अपडेट आते हैं। मतलब कि जो रियलमी वॉच जो आई थी पहले, तो उसमें पहले फोटोज़ नहीं डाल सकते थे आप अपनी जो डिवाइसेस में जो फोटोज़ होती हैं तो उनको आप वॉलपेपर में नहीं रख सकते थे, लेकिन फिर अपडेट आने के बाद उसमें वॉलपेपर आ गया था। तो इससे आपको विश्वास हो सकता है इसके मामले में। अब आ जाते हैं इसके क्वालिटी टेस्ट पर। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरे कान में बहुत ही अच्छे से फिट हो चुके हैं और इनकी वायर की जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर जैसे ही मैं अपने सिर को ऐसे हिला रहा हूँ या फिर ऐसे ऐसे करता हूँ तो फिर भी ये नहीं निकलते हैं, मतलब कि इनके जो टिप्स हैं वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको ENC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब कि एनवायरमेंट नॉइज कंट्रोल कैंसलेशन। और इसकी वजह से क्या होता है कि आजू बाजू की जो एनवायरमेंट की जो नॉइसेस होती हैं वो आपकी रिकॉर्डिंग या फिर आपकी कॉल के बीच में नहीं आती है, मतलब कि काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। आती तो है लेकिन कई कम आवाज़ आती है, इनको कई ज़्यादा कम कर देता है और आपकी आवाज़ जो होती है वो सामने वाले को क्लियर सुनाई देती है। यहाँ पर जो अभी की रिकॉर्डिंग है वो हो रही है इन यहाँ पर नेक बैंड में, तो यहाँ पर इसका माइक कैसा काम कर रहा है ये आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। और इसके अलावा इसकी जो ENC है वो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी काम करती है, क्योंकि मैंने इसको कॉलिंग में एक्सपीरियंस किया है। सामने वाले को भी पूछा है कि उनको कैसी आवाज़ आ रही है, ट्रैफिक में खड़े होकर भी मैंने बात की है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि कैसा काम कर रहा है। और अभी मैं फ़ैन को स्टार्ट करने वाला हूँ 5 के ऊपर, फिर आप मुझे बताइए कि कैसी इसकी आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर फैन हो चुका है स्टार्ट, कैसी आ रही है इसकी आवाज आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताएगा। 5 पर अभी चल रहा है और अभी 3 पर भी करके देखते हैं, कम करके देखते हैं तो कितना आवाज रिड्यूस होता है ये भी आपको पता चल जाएगा।
तो यहाँ पर अभी 3 पर चल रहा है फैन, तो अब मुझे बताइए कि कैसी आवाज़ इसकी आ रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आपने देखा कि ये जो IoT प्रोडक्ट्स है वो अभी काफ़ी अच्छे खासे चल रहे हैं अभी मार्केट में। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ डीजो की, तो ये काफ़ी ही अच्छा प्रोडक्ट लगा है मुझे। और मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मतलब कि ये लोग कलर वाइज प्राइस लेते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो ऑरेंज कलर है वो अभी फ्लिपकार्ट पर मिल रहा था 1000 रुपये में। मतलब कि उसकी लिंक भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो कलर है ये शायद से आपको पड़ सकता है 1200 से 1300 रुपये में, मतलब 1200 या फिर यहाँ पर 1300 तक ये आपको पड़ सकता है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जितने सारे फीचर्स हैं ये काफ़ी सारी कंपनीज नहीं देती है। और ENC यहाँ पर आपको 1000 के अंडर में कोई भी नहीं देगा। अगर आप इसका ऑरेंज कलर लेते हो तो आपको ENC भी यहाँ पर मिलता है। लो लेटेंसी गेमिंग मोड भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये एक वर्देबल प्रोडक्ट है और आप इसको ज़रूर से ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अपने डेली यूजेस के लिए। और यहाँ पर इसमें आपको IPX4 भी देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से इस प्रोडक्ट को मैं हर एक यंगस्टर को रेकमेंड करूँगा जो कि यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ करते हैं या फिर नेक बैंड की जरूरत है, तो उनको मैं जरूर से जरूर रेकमेंड करूंगा अंडर 1000 की कैटेगरी में। तो इसी के साथ मैं आपसे भी देना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला जो घंटा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके देन, बाय।